का अवतार हुआ, ये कथा आप लोगों ने कल सुनी। अवतार में और जन्म में फर्क होता है। जन्म हम सबका होता है और मरण होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। जो शरीर ग्रहण करता है उसको शरीर त्यागना पड़ता है। लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है भाई। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान प्रकट होते हैं। आपने इंसान भगवान का फर्क कभी चिंतन किया? इंसान में भगवान में फर्क क्या है? वैसे तो आकृति तो एक सी लगती है, उनके हाथ पैर हमारे आपके हाथ पैर फर्क है। भगवान राम और कृष्ण की किसी फोटो को आपने बुढ़ापे की फोटो नहीं देखी होगी, कहीं देखी क्या? राम जी की या भगवान कृष्ण की कहीं बुढ़ापे की फोटो देखी हो आदन तक? बताओ, नहीं मिलेगी आपको। तो सिद्ध क्या हुआ कि भगवान को बुढ़ापा नहीं आता है, उनका शरीर अप्राकृतिक होता है। किन तत्वों से बना होता है? चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर और स्वरूप एक ही होता है। हमारा स्वरूप अलग है, शरीर अलग है, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ता है। राम या कृष्ण को बुढ़ापा नहीं आता है। बड़ी गंभीरता से बात सुने, उनका शरीर हमारा आपका शरीर पांच भौतिक है ना, किन किन तत्वों से बना हमारा आपका शरीर? चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित अति अदम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित अति अदम शरीरा। और भगवान का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं दामोहन साल बुलेसा। चिदानंदमय देह तुम्हारे। वाल्मीकि राम जी से कहते हैं कि आपकी देह सत चित आनंद तीन तत्वों से बनी है, इसलिए राम कृष्ण को बुढ़ापा नहीं आता। एक और अंतर देखा होगा, प्यार से बोलो राधे राधे। अरे बोल दिया करो भाई, प्रेम से बोलो। भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं आती है। राम के या कृष्ण के कहीं दाढ़ी मूछ देखी आपने? नहीं आती है। आजकल लोग बराबरी तो कर रहे हैं मूछ सपा करके, लेकिन वो बात नहीं हो सकती है। उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आती है। कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान राम या कृष्ण भगवान थे, क्या इसका प्रमाण है? तो आपको ये बातें याद रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, हम आपका जन्म जो होता है वो परवश कर्म के वशीभूत होकर के होता है। आपका जैसा कर्म है वैसी योनि में जाना पड़ेगा, आपके बस में नहीं है। आपका अगर पशु योनि में जाना का कर्म है तो जाना ही पड़ेगा। और आपका अगर स्वर्ग में प्राप्ति का अधिकार आपने प्राप्त किया है, आप स्वर्ग जाएंगे। जीव कर्म के वशीभूत है, लेकिन परमात्मा को कर्म नहीं बांधता है। कारण क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, नमाम कर्माण लिप्यन्ते नमे कर्म फलेश प्रहा इतमाम यो अभिजानाति कर्म भी संदर्श बद्यते।
मुझे कोई कर्म बांधता नहीं, अर्थात कर्म का फल मुझे भोगना नहीं पड़ता है। ऐसा बोध जिसको हो जाता है कि कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, मैं मतलब आत्मा, आत्मबोध में जो टिक जाता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान का अवतार होता है, जीव का जन्म होता है। भगवान ब्रज में सुंदर लीला करते हैं, गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबति या सह गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा भक्ति रस का पान करे ऐसे जीव का नाम होता है गोपी। कानों से गुणगान सुने, नेत्रों से दर्शन करे, बाड़ी से उनका सदैव गुणगान मीठा मीठा गाता रहे, पैरों से उनके तीर्थ की तरफ गति करे, हर इंद्रिय से जो भक्ति करता है ऐसे जीव का नाम गोपी है। इसलिए गोपियों को कहा प्रेम की ध्वजा, क्योंकि गोपियों जैसा दुनिया में तीनों लोकों में विश्व ब्रह्मांड में इतना बड़ा सौभाग्य किसी का तो नहीं है। अच्छा आप लोग विचार करें, क्या ब्रह्मा शंकर जी में सामर्थ्य है कि भगवान का कान पकड़ लें? सामर्थ्य नहीं है, नीचे खड़े रहते हैं हाथ जोड़े। लेकिन मैया यशोदा लला का कान पकड़ती है, ग्वालवाल पीठ पर बैठकर घोड़ा बना लेते हैं। इसलिए सबने कहा कि भैया ब्रजवासियों का सौभाग्य क्या कहें, इनकी तो सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कृषाम येन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य येन यदुवंशियों का, येन यदुवंशियों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि किसी का नहीं हो सकता। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर दिहा में जाहे अनाद अखंड अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तेऊ पुने पार न पावे और ताए अहिरन की छोहरिया छछियावर चाँच पे नाच नचावे काम धैन तड़फत रही और ब्रह्मा धरी न धीर सब देवन विनती करी हम काहे न भये अहीर। ब्रज में भगवान को ब्रज गोपियां डांट भी लगाती हैं, ऐसा सौभाग्य और किसी को नहीं मिल सकता। एक दिन की तो बात है, प्रेम का झगड़ा गोपियों का कृष्ण का आज प्रणय गोप में हो रहा है। तो ब्रज गोपी बोली, लाला मेरा रास्ता छोड़ दो। कन्हैया बोले, नहीं छोड़ेंगे तो तू क्या कर लेगी? बोले, तुम नहीं रास्ता छोड़ोगे ना। जय हो, ये भैया माला अर्पण करते भगवान सुख शांति दे। रास्ता नहीं छोड़ोगे तो क्या करोगे? लाला हाथ लगा दोगे। अरे राम राम, इतनी बड़ी बात कन्हैया के हाथ लगा देगी गोपी? देवताओं ने कहा, नारद जी धन्य है ये गोपियां, आइए हम सब भी मौज भगवान की उस लीला में आनंद लें। अरे तोहे काहू दिने हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटके अरे तो एक काहू दिन हाथ लगाए दूंगी
भक्त फोर मई की मटके तुम्हें नौ दिन हाथ लगाए दोगी मत फोर दही की मटके अरे मत फोर दही की मटकी 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 लाला तोए कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटकी लाला तोए कहूँ दिन हाथ लगाए जगे मत फोर दही काना तोए कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटके एक कमरिया कारी और रटन जतन ये मेरी साड़ी रतन जतन ये मेरी साड़ी अरे मैं तो चोरी तोए लगाए दूंगी मत और दही की मटकी गाना तोए कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटकी आस गाइए सुधा मैया से कहे जाई अरे यशोदा मैया से कहे जाई ओ यशोदा मैया से कह दो जाई पर घर तर तेरी होएगी पिटाई घर तेरी होएगी पिटाई ओ घर चल तेरी होएगी पिटाई घर चल तेरी होएगी पिटाई अरे तोई ऊखल तोए ऊखल ते बंदवाए दऊंगी मत फोर दही की मटकी अरे तोए ऊखल ते बंदवाए मत फोर दही की मटकी अरे मत फोर दही की मटकी 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 गाना तोए कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटकी गाना तोए कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटकी गाना तोए कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटकी मत फोर दही की मटकी भगवान ने भगवान नाराज हो गए हेलो गोपियों ने देखा खाना का नोक मुरझा गया गोपियों ने कहा लाला आप नहीं जानते हो मेरे कई जन्म लग गए तब आपकी प्राप्ति हुई है भगवान एक जन्म में नहीं मिल जाते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते
वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कई जन्मों के अंतिम जन्म में ऐसा सुयोग बनता है प्रभु की भक्ति का, तो गोपियों ने कहा भगवान से, अरे तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, अरे तेने लाला नहीं पहचानी, तेने लाला नहीं पहचानी, तेने खाना नहीं पहचानी, तेने लाला नहीं पहचानी, अरे तोए तोए नैनन बीच बसाए लऊंगी मत फोर गली की मटके, अरे तोए नैनन बीच बसाए लऊंगी मत फोर गली की मटके, लाल तोए कहूं तिन हाथ लगाए दऊंगी मत फोर गली की मटके, आना तोए कहूं तिन हाथ लगाए दऊंगी मत फोर गली की मटके, अरे मत फोर गली की मटके, अरे मत फोर गली की मटके, अरे मत फोर गली। गोविंद भगवान की जय हो। ये जो कृष्ण और गोपियों के प्रणय गोप का जो संवाद है, इसमें केवल और केवल प्रेम है। ध्यान देंगे, भगवान की लीला को समझने के लिए पीछे की भूमिका बहुत सही होनी चाहिए, तब लीला समझ सकते हो। अगर आपने कृष्ण भगवान को मनुष्य मान लिया तो आपको हर लीला गलत चिंतन की तरफ ले जाएगी, जो कि अपराध होगा। भगवान का पांच भौतिक शरीर नहीं होता है, इसलिए काम आदि विकारों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग देखेंगे जब महाराज हुआ है तो भगवान ने पहले कामदेव को परास्त कर दिया है, कामदेव को परास्त किया है, मूर्छित होकर कामदेव गिर गया है। संदेश क्या मिला? ये काम विजय लीला है। हजारों गोपियों के बीच में भगवान लीला करते हैं, कोई अनुकरण करने लग जाए कि हम भी करेंगे 10-5 के बीच में, टीबी हो जाएगी और आगरा हॉस्पिटल भर्ती हो जाओगे। भगवान शब्द का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ या सह ईश्वर, जो करने लायक को भी करके दिखा दे, न करने लायक को भी करके दिखा दे, उसी का नाम तो ईश्वर है। भगवान ब्रजगोपियों को आनंद प्रदान करते हैं, क्यों? गर्ग संहिता में प्रमाण आता है सभी गोपियों का, किसी ने केवल दूध पीकर भजन किया पिछले जन्म में, और किसी ने केवल दूध का रस पीकर भजन किया, किसी ने किस रूप से भजन किया, और ये कामना की कि प्रभु मुझे आपकी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिले। तो भगवान ने कहा द्वापर युग में यदुवंश में हम जब अवतार लेंगे तुम सब गोपी बनोगे और उस समय आपको ये सौभाग्य मिलेगा। भैया आज भी वृंदावन का वास मिल जाए तो उसका बहुत बड़ा भाग्य रहा होगा, तब मिलेगा। पूतना को क्यों, पहले पूतना को क्यों मारा? प्यार से बोलो राधे राधे। इस क्षेत्र में बोलते नहीं है, क्या हो गया? घर पे भी नहीं बोलते ये लोग, बात कर लेते हैं आप लोग। बोलो राधे राधे, तो बोलो बोलो राधे राधे। ऐसा लग रहा है मन टैक्स लग रहा तुमसे। भगवान एक एक लीला का रेस बहुत गंभीर है। एक दिन की बात है, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यान्यानि गीतानि
तदबाल चरतान च ददी निर्वंथने काले स्मृंती तान्य गायत। एक दा अग्रे दा शिशु नीचे हो जा, आराम से बैठे बच्चे, सीधे बैठ, सीधे बैठ। एक दिन की बात है, मैया सुधा ने गृह कार्य में दासियों को लगा दिया और स्वयं माँ अपने हाथ से दधि मंथन करने लगी है। अपने हाथ से पहले माताएं दधि मंथन भी करती थी, कुआं से पानी भी निकालती थी, कुटी भी काटते थे। तो लोग नॉर्मल बच्चों का घर पे जन्म हो जाता था, शरीर स्ट्रांग रहता था। अब आजकल लोग आजाद हो गए, शहरों में तो ज्यादा ही हो गए। अगर बल्ब बंद करना है तो नौकर को बुलाएंगे, वो बटन दबाएगा, उनसे बटन भी नहीं दबती होती, अपंग हो गए, इसलिए मर्जी बढ़ रही है। मैया यशोदा ने स्वयं दधि मंथन का कार्य लिया और दासियों को दूसरे कार्य में लगा दिया। मतलब भगवान की सेवा पूजा स्वयं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चों से बोल दिया जाओ तुम घंटी बजा दो और दीपक जला दो। भाव से करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। और आज तो मैं आप लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ गंगा दशहरा की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कितना सुंदर पर्व है। आज के दिन गंगा जमीन पर पृथ्वी पर आई थी, आज के ही दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था। और सौभाग्य कल निर्जला एकादशी भी है। एकादशी को कथा सुनना, दशहरा को कथा सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। कल एकादशी के जो व्रत करें भाई बहन, वो व्रत करें, अवश्य करें, सामर्थ्य के अनुसार करें, हटवाद नहीं करें कि सारे दिन जल पीना ही नहीं है। अगर शरीर नहीं सहन करता है तो आप पी सकते हो, स्नान कर लो, शरीर का संतुलन भी बना रहे, साधन सही रहेगा तभी साधना होगी। तो आज दशहरा का पर्व है, गंगा जी पर आज बहुत भीड़ होगी हरिद्वार वगैरह में, और कल निर्जला एकादशी का है। हम इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और व्रत निवेदन करते हैं, आप लोग अंदर से आत्मा गवारा दे तो जरूर करो। बिना जल के नहीं रह सको, जल लेकर के रहो, लेकिन अन्न दोष तो बचा ही दो। मैया यशोदा ने आज दधि मंथन किया है और स्मरण करती जा रही, भगवान का चिंतन करती जा रही, उनका स्वरूप। कथा यही संदेश देती है, गृहस्थी कार्य तो करो, लेकिन कार्य करते हुए मन वहां रखो जहां गोविंद है। कर से कर्म करो विदनाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधारमन राधारमन श्री राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस देश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, परिस्थिति कोई भी हो, समय कैसा भी हो, ये उतार लिया तो कथा आपके जीवन में काम आ गई। जिस काल में जिस हाल में जिस चाल में रहो, जिस काल में जिस हाल में जिस चाल में रहो, राधा रमन राधा रमन श्री राधा रमन कहो। ओ राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में जिस ढंग
में जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस संग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। राधारमन राधारमन श्री राधारमन कहो, राधारमन 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 कहो। जिस ताल में, जिस हाल में, जिस चाल में रो, जिस ताल में, जिस हाल में, जिस चाल में रहो। राधा रमन राधा रमन श्री राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। किसी ने कहा हमारा संग अच्छा नहीं है, संग अच्छा विभीषण का भी नहीं था, संग अच्छा मीरा का भी नहीं था, और संग अच्छा प्रहलाद का भी नहीं था, लेकिन भक्ति करके दिखा दी। इसलिए जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, ओ जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। राधारमन राधारमन श्री राधारमन कहो, राधारमन 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 कहो, राधारमन राधारमन श्री राधारमन कहो, राधारमन 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 कहो। हरे राम हरे हरे, गाइए हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैया यशोदा ने इस लीला से संदेश दिया कि हाथों से काम करो, मन से गोविंद का चिंतन करो, और माँ यशोदा दधी मंथन करती है। आज श्याम सुंदर जग करके आते हैं और मैया की गोद में आकर के बैठ जाते हैं। मैया यशोदा ने लाला को गोद में बिठाया। कन्हैया ने कहा मैया तो सबसे ज्यादा प्यारो कहाँ लगे लाला, माँ के लिए तो सबसे ज्यादा प्यारा बेटा ही होता है। भगवान आज एक नई लीला करना चाह रहे थे। मैया के आंगन में दो वृक्ष खड़े हैं अमलार जुन के, ये श्राप वश वृक्ष बन गए। एक बार नारद जी महाराज आए और ये कुबेर के पुत्र थे, ज्यों के त्यों खड़े रहे, नमस्कार प्रणाम भी नहीं किया। तो नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, चरणों में गिर करके जब वंदना की है। नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनोगे लेकिन
नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे, भगवान श्याम सुंदर तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। आज वही समय आ गया है। मैया सुधा के सामने ही लाला ने सुखदेव जी वर्णन करते मटकी को फोड़ दिया है। मैया पीछे पीछे दौड़ी, अंत में लाला को प्रेम की रस्सी से बांध दिया, इमलार जुन के बीच में उखल से बांधा। भगवान घुटनों के बल चलते हुए जा रहे और दोनों वृक्षों के बीच से निकले। अड़ गया वो उखल और जड़जड़ करके धड़ाम से वृक्ष गिरे और आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ। उसमें से दो पुरुष निकले और कृष्ण की स्तुति करने लगे, हे गोविंद मुझे क्षमा करो। बाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम श्रीस्तव निज निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। उन्होंने कहा हे भगवान मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, फिर हाथ आपके भक्तों की आपकी सेवा करें, मेरे पैर आपके तीर्थ की गति करें और मेरा मन सदैव आपका चिंतन करे। भगवान बोले तथास्तु, अब संतों का सम्मान करना, जाइए। दोनों वहां से पधारे और कोई न कोई राक्षस रोज आता है। आज ब्रजवासियों ने विचार बनाया, गोकुल छोड़कर वृंदावन चलते हैं और अपने सारे सामान को गाड़ियों पर लाद लिया और वहां से वृंदावन के लिए गोकुल से प्रस्थान किया है और वृंदावन में आज आ गए। एक झलक ध्यान के द्वारा आप लोग भी वृंदावन चलें, भाव से चलें, श्रद्धा से चलें। आइए एक बार ध्यान से। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जो गाएगा उसी को ले जाएंगे, गाएगा नहीं उसको उस राह से वापस कर देंगे। ताली बजा के। अरे मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे, हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। आन राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। जय जय राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। मन वही मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। भाव से गाइए। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी, बांके बिहारी की शोभा है न्यारी,
बांके बिहारी की शोभा है न्यारी, बांके बिहारी की शोभा है न्यारी, बांके बिहारी की शोभा है न्यारी, जहाँ दर्शन करेंगे सुबह शाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। सभी वृंदावन आ गए और वृंदावन में आज आनंद होने लगा। भगवान सुंदर सुंदर सी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। ग्वाल बालों के साथ एक दिन जूठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई कि भगवान है या नहीं। ब्रह्मा शंकर जैसों के मन में शंका हो जाती है कि भगवान है कि नहीं। कोई इंसान शंका करे तो क्या आश्चर्य है। सोई जाने जहते हैं जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्मा जी ने आकर के परीक्षार्थ गऊओं को छिपा दिया, ग्वाल बालों को छिपा दिया। ध्यान से भगवान ने देखा, अरे ब्रह्मा जी ने गड़बड़ किया है। भगवान ने स्मरण किया, योग माया उपस्थित हो गई। भगवान आदेश करो, बोले जितनी गऊँ थीं जितनी ग्वाल थे, जैसी गऊँ जैसे ग्वाल वैसे ही बन जाओ। योग माया बोली जो आज्ञा भगवान, उतनी गऊँ ग्वाल सब बन गए और ब्रज में लीला यथावत चल रही है। ब्रह्मा जी एक वर्ष बाद आए तो देखा लीला ज्यों की त्यों चल रही है। ब्रह्मा जी समझ गए मेरे से गलती हो गई, मैंने गऊओं को ग्वालों को कृष्ण से दूर किया है, ये मुझे अपराध लग गया। इसी अपराध का समन करने के लिए ब्रह्मा जी कलयुग में नाभाजी बन करके आए, और जिन्होंने भक्तों की कथा लिख करके एक माला सी बनाकर मानो भगवान गले में डारी, उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल, वही ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी स्तुति कर कर चले गए हैं और ब्रह्मा जी ने सराहना की है एक श्लोक में बहुत सुंदर यदुवंशियों की। ब्रह्मा जी आश्चर्य करते हैं, धन्य है इनका भाग। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गो प्रद्रजोकसाम येन मित्रं परमानंदं पूर्णब्रह्म सनातनम्। अहो भाग्यम अहो भाग्य है इन यदुवंशियों का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनका आज बालक बनकर के इनके साथ में खेल रहा है खा रहा है। एक दिन की बात है, सभी ग्वालवाल यमुना जी के किनारे पर पहुंच गए और खेल हो रहा है। प्यार से बोलो राधे राधे, बोलना पड़ेगा ध्यान रखो, नहीं तो दो दिन बाद भंडारा नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर लगाओ, प्रेम से बोलो। देखो भंडारा का नाम लेते ही आवाज बढ़ गई, इतना फर्क पड़ता है। सुखदेव जी कहते राजन आज मेरे भगवान यमुना के किनारे गए हैं, गऊएं जल पीने लगी तो गऊएं मूर्छित हो गई। भगवान ने विचार किया कारण क्या है, उस यमुना में एक काली नांग रहता है। भगवान ने सोचा कल इस काली नांग को यहां से निकालता हूं, आज दाऊ भैया को साथ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि दाऊ भैया भी नांग हैं, एक नांग को नाथेंगे दूसरे को बुरा लगेगा, तो दाऊ भैया को साथ नहीं ले गए और ग्वाल बालों के साथ गए। यमुना के किनारे भगवान ने गेंद का खेल रखा है, आज श्री दामा की गेंद है, एक बल्ला मारा गेंद जाकर के काली देव में धड़ाम से गिरी। श्री दामा ने आकर कन्हैया की फेंट पकड़ दी क्योंकि बाल हट
तीन हट बड़े प्रधान हैं, एक बाल हट और एक राज हट और एक नहीं बताएंगे फिर भीड़ कम हो जाएगी। बोलो राधे राधे। आज बालकों ने हट किया, मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान ने पीतांबर कमर से कसा और कमर कसकर के चढ़ गए कदम पर और कदम पर चढ़ करके छलांग लगा दी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। काली देव में कूद पड़े, नाग जाग सो रहा है, नागने जाग रही हैं। नागना ने देखा कितना सुंदर बालक है बहन, मैंने तो जीवन में पहली बार देखा इतना सुंदर बालक। आपस में तर्क वितर्क करती हैं, बहन ये कैसे गिर गया। पर नागनों को पता नहीं है सबके मालिक हैं। नागनों ने कहा बेटा भाग जाओ, नाग जाग गया तो दंश कर जाएगा। भगवान बोले जगाई लो। नाग ने बोली भाग जा बेटा, बाद में पछताएगा, ध्यान रख।